वेलकम टू सजीर भाई गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो टॉपिक है मेरे पास आया है होंडा कंपनी का सीबी यूनिकॉर्न 160 सीसी वाला मॉडल, और ये बाइक इंजन ख़राब हो गया है। तो गाइस ये गया था पॉल्यूशन का चेकअप कराने के लिए, जो बाइक का जो धुआं पॉल्यूशन होता है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस बाइक को क्योंकि इस बाइक में पॉल्यूशन आ रहा है। तो मेरे पास आया है और इंजन एकदम सील है क्योंकि इस इंजन को कभी भी कोई किसी ने नहीं खोला है। तो गाइस अगर बाइक में पॉल्यूशन आ रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, और पॉल्यूशन आने का रीज़न आपको बताऊंगा, और अगर पॉल्यूशन आए तो किस तरह से आप लोग उसे सही करें, क्योंकि काफ़ी सारे मैकेनिक जो होता है, जो सील इंजन बाइक अगर किसी के पास आता है तो वो क्या करता है, कुछ थोड़ा बहुत काम करके बाइक को दे देता है, बट मैं आपको बताऊँगा अलग सिस्टम से। जब सील इंजन आपके पास आता है और बाइक इंजन का काम करते हैं तो आपको सब कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि इंजन आप लोग बनाते हो एक साल के लिए नहीं और छः महीने के लिए नहीं है, जैसे कि 3 साल 4 साल 5 साल भी आपका इंजन चल जाएगा अगर ड्राइवर अच्छा रहे तो। तो गाइस मैं वो तरीका आपको बताऊंगा किस तरह से आप लोग इंजन की जांच करें, क्या क्या चीज़ चेंज करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ हमको लगाना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं बाइक पर पॉल्यूशन कितना आ रहा है और बाइक का साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो चलिए इग्निशन ऑन करते हैं। तो गाइस साउंड क्वालिटी ख़राब हो गया है, तो गाइस देखिए तो गाइस आप लोगों ने देखा इंजन का साउंड भी ख़राब है और पॉल्यूशन भी आ रहा है। तो इस तरह का अगर पॉल्यूशन आएगा तो कोई भी धुआं का जो कागज़ होता है वो भी परमिशन नहीं देगा अगर गाइस, क्योंकि ये जो धुआं पॉल्यूशन होता है इंसान के लिए हानिकारक होता है और बहुत ही ख़राब होता है। तो इसके लिए आपको पॉल्यूशन की काम कराना चाहिए अच्छे मैकेनिक के पास। तो चलिए हम आपको बताते हैं जो आप किस तरह से इंजन बनाएँ और किस तरह से आप लोग करें। तो गाइस सबसे पहले हम खोलेंगे और इसमें क्या क्या डालेंगे आप लोगों को बताएंगे। तो चलो हम खोलते हैं। गाइस अब चेकअप करेंगे बाइक में जो कैनेटिन रॉड होती है, वो कैनेटिन रॉड हम लोगों का सही है या ख़राब है। तो मैंने हिला के देखा और बहुत ही पहले हो चुकी है, उसका अंदर पिन और बैरिंग ख़राब हो चुकी है। तो मुझे फ़िलहाल पूरा इंजन डाउन करना पड़ेगा। तो चलो पूरा इंजन को खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। तो गाइस पूरे पार्ट्स को खोल के और वॉश कर लिया है, कितना सफाई लग रहा है देखो, पूरा कचरा था इंजन पर।
आप लोग जब भी इंजन खोलो, इंजन खोलने के बाद पूरे पार्ट्स को वॉश करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने वॉश कर लिया है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ इस बाइक में हम क्या क्या डालेंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जो ये है ब्लॉक किट और इसका पिस्टन रिंग असेंबली चेंज करेंगे, ब्लॉक किट न्यू लगाएंगे और क्लच असेंबली भी हम लोग न्यू डालेंगे, पूरा क्लच असेंबली, टाइमिंग चेन, वाल्व, कनेक्टिंग रॉड, बैरिंग, तो ये सब कुछ चीज़ हम बाइक में चेंज करेंगे। गाइस डालेंगे ब्लॉक किट, यहाँ देखिए 4327 रुपये इसका कीमत है। और इसके साथ क्या क्या आता है देखो, पैकिंग है, रिंग है और इसमें हम लोगों का जैसे बूस्ट टू सब कुछ है और पिस्टन है और हम लोगों का ये पूरा ब्लॉक किट है। खोलो खोलो खोलो, ये ब्लॉक किट है, ठीक है, ये पूरा ब्लॉक किट असेंबली लगाएंगे। तो गाइस पूरा इंजन आप लोगों को फिटिंग करके दिखाऊंगा, आप लोग फिटिंग करिए और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा बट आप लोगों को अच्छा नॉलेज मिलेगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो गाइस ये जो हेड है, हेड के बारे में वीडियो मैंने काफ़ी सारे छोड़ के रखा है, अगर हेड किस तरह से रिपेयर करें, हेड का गाइड ख़राब हो जाए तो क्या होगा, कंप्रेसर कम आने का कारण क्या है, तो हेड का ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना के रखा है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाइए, आपको प्ले लिस्ट पर हेड रिपेयरिंग वीडियो मिल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले हम गियर बॉक्स यूज करेंगे, उसके बाद फिटिंग करेंगे। तो चलिए सब हम सबसे पहले लुब्रिकेंट कर लेते हैं इंजन वाइज, बस लुब्रिकेंट हो चुकी है, अब हम डालेंगे गियर बॉक्स का पिनियम। तो यह हम लोगों का गियर बॉक्स सिलेक्टर है, ठीक है, तो ये लगा हुआ रहता है और ये जो पत्तियां है ये न्यूट्रल लाइट के लिए है और बाइक अगर गियर पर रहे इसी से ग्राउंड लेता है और सेल्फ स्टार्ट काम करता है। तो चलिए, तो गाइस इनपुट शाफ्ट कौन सा है और आउटपुट शाफ्ट कौन सा है बताता हूँ। तो गाइस ये है हम लोगों का जो हाउजिंग पर रहता है, ये हम लोगों का इनपुट शाफ्ट है और इस पॉकेट जो शाफ्ट होता है ड्राइव चेन वो हम लोगों का आउटपुट शाफ्ट होता है। तो दोनों शाफ्ट को पहले अटैच करना पड़ेगा, तो दोनों शाफ्ट का सिस्टम अलग से रहेगा, ठीक है। तो गाइस इस तरह से हम लोग फिटिंग कर देंगे। तो गाइस यहाँ पिनियम अगर आप लोगों का उलट पलट हो जाते हैं तो आप लोग किस तरह से फिटिंग करें वो पहले आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ एक वाशर रहता है, ठीक है, उसके बाद ये पिनियम, उसके बाद कोई भी वाशर नहीं है, उसके बाद एक वाशर रहता है और उसके बाद कोई भी वाशर पिनियम नहीं रहता है, उसके बाद ये पिनियम, उसके बाद एक लॉक, उसके बाद एक वाशर, उसके बाद एक पिनियम और ये शाफ्ट इंजन में लगा रहता है शाफ्ट के साथ, ठीक है। ये हम लोग का इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट किस तरह से देखिए, सबसे पहले एक वाशर है, पांच वाशर, ये खोलेगा नहीं जब तक हम लोग बाड़ी नहीं मारेगा, ये पांच रहता है। तो गाइस सबसे पहले वाशर पिनियम, उसके बाद एक वाशर रहता है, उसके बाद एक पिनियम, उसके बाद एक लॉक, उसके बाद वाशर, उसके बाद यहाँ एक वाशर देना पड़ेगा, उसके बाद ये जो पिनियम है ये पिनियम डालना पड़ेगा, रुको, ये पिनियम, उसके बाद एक वाशर, एक बूस और उसके बाद ये हम लोगों का बस फिटिंग हो चुकी है गाइस, ठीक है। तो चलो हम फिटिंग करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं जो किस तरह से हम लोग फिटिंग करें। तो चलो ड्राइव शाफ्ट को भरते हैं, इनपुट को और आउटपुट ये वाला, ऐसे ऐसे करके हम लोग भर देंगे, ठीक है। अब हम अटैच करेंगे, तो गाइस यहाँ देखिए KRM RLL और यहाँ लगा है S38, तो ये हम डालेंगे सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे डालेंगे, यहाँ डाल दिया, उसके बाद 38 ये भी है तो ये हम डालेंगे ये ऊपर। तो चलो सिलेक्टर के साथ सेटिंग कर लेते हैं, बस अब यहाँ देखिए K38 है, ठीक है, तो इसे इस तरह से लगाएंगे और ये सेटिंग हो जाएगा इस जगह पर। तो चलो सेटिंग कर लेंगे, बस
गाइस गियर बॉक्स हम लोगों का सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। बट एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, ये जो किकरेचर होता है, किकरेचर हम लोगों को सेटिंग किस तरह से करें गाइस, यहाँ हम लोगों का सिर्फ है एक सिस्टम जो स्प्रिंग हमको यहाँ लगाना पड़ेगा, तभी हम लोगों का वर्क करेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग इसे, तो गाइस यहाँ कोई वाशर नहीं रहता है, इसे इस तरह से भरेंगे। और ये जो हम लोगों का लॉक है, इसे हम डालेंगे इसी जगह पर, ठीक है। तो गाइस इसी जगह पर डाल दिया, और ये लॉक हम यहाँ स्प्रिंग के साथ अटैच कर देंगे, लेकिन पाक हम यहाँ नहीं देंगे, इंजन फिट करने के बाद पाक देंगे। तो गाइस वो भी आपको बताऊंगा किस तरह से आप लोग पाक दें। तो चलिए, थोड़ा स्प्रिंग टेढ़ा लग रहा है, देखो ठीक से बैठा है कि नहीं। तो चलो ठीक से बैठा है, तो चलो इसे अटैच कर देते हैं बस। तो गाइस यहाँ का काम ख़त्म हो गया, ये चीज़ इसी तरह से हम लोगों को लगना है। यहाँ दिखाइए, स्प्रिंग यहाँ बैठेगा और किक डॉग का स्प्रिंग यहाँ बैठेगा, बस हम लोगों का सेटिंग हो चुकी है। बाकी काम हम लोगों का किक रेचर का जो स्पारिंग करना है उस साइड से करना है। तो चलो हम डाल देते हैं इसे, तो गाइस चलो इसे आहिस्ते आहिस्ते करके भरता हूँ, तो ये नहीं जा रहा है। अब यहाँ देखिए एक कार्डिंग है, ये वाला हिस्सा को हमको ले जाना है पिनियम के साइड में। यहाँ देखिए अब यहाँ थोड़ा हम बस ये आराम से बैठ गया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ का काम ख़त्म, अब हम थोड़ा इंजन ऑयल डाल देंगे उस पर। इसमें पैकिंग नहीं रहता है, तो चलो इसे हम लोग रिजिबोन आटा दे देंगे ताकि हम लोगों का इंजन अच्छी तरह से लॉक हो जाए और सील हो जाए, इंजन ऑयल लीकेज ना करे। इसमें पैकिंग नहीं रहता है, इसका कारण हम देंगे, ठीक है। तो थोड़ा अच्छी तरह से हम लगा दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा देने से ख़राब लगेगा, इंजन की सफाई नहीं बनेगा। तो चलो आहिस्ता करके इसे थोड़ा चारों तरफ लपेट लेता हूँ, बस हो चुकी है। अब गाइस यहाँ का काम ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ जो है हम लोगों का बैलेंसर जो है, काफ़ी सारे मैकेनिक ये बैलेंसर सेटिंग नहीं होगा, तो आप लोगों को ये काटिंग जो दिखाई दे रहा है, ये काटिंग को आपको इसी हिसाब से रखना है, ताकि यहाँ देखिए ये जो काटिंग है ना, इस काटिंग के हिसाब से हम रखेंगे और ऑटोमेटिक चैम्बर फिट हो जाएगा। तो चलो लुब्रिकेंट इसको भी कर लेते हैं, बस अब हम सेटिंग करेंगे चैम्बर। बस तो गाइस ये सेटिंग आप लोगों को अच्छी तरह से करना है। यहाँ देखिए एक काटिंग जो होता है, इस काटिंग का साथ बैलेंसर को हम लोगों को मिलाना पड़ता है, तभी इंजन हम लोगों का फिटिंग चैम्बर सेटिंग होगा, वरना नहीं होगा। तो मैंने सेटिंग कर लिया है, अब पूरा इंजन का नाट लगाऊंगा और टाइट करूंगा, ठीक है। ये बैलेंसर हम लोगों का सेटिंग हो चुकी है, रोटेट भी कर रहा है। तो चलिए अब हम फिट करते हैं नाट बोल्ट। सबसे पहले हम डालेंगे, इंजन का नाट टाइट हो चुकी है, अब हम डालेंगे इस जगह पर। तो चलिए इसे टाइट करता हूँ, तो गाइस यहाँ देखिए एक पॉइंट है,
और इस जगह पर देखा ये पॉइंट है, इस जगह पर। तो ये पॉइंट को दोनों को हमको मिलाना है। तो देखो ये दोनों पॉइंट एक ही साथ है ना, यहाँ देखो दोनों पॉइंट एक ही साथ है। अब हम क्या करेंगे, किक दीजिए किक दीजिए। चलो किक को थोड़ा उल्टा साइड घुमाएंगे, इस साइड घुमाएंगे ठीक है, और ऑटोमेटिक इस जगह पर छोड़ देंगे। तो गाइस देखो ये यहाँ देखिए, इसी तरह से हम लोग सेटिंग करते हैं। तो गाइस दोनों पॉइंट यहाँ सेटिंग हो चुकी है ऑटोमेटिक, और यहाँ सैप भी हम लोगों का इनपुट सैप भी हम लोगों का ठीक हो रहा है। अब क्या करेंगे, लॉक लगाएंगे। तो चलो लॉक लगाएंगे। बस लॉक हो चुकी है। तो गाइस सैप डालेंगे ठीक है, गियर सेफ्ट हो चुकी है। अब हम बाइक का वाइल पम्प डालेंगे, और यहाँ जितना भी सामान है सब कुछ लगाएंगे ठीक है। तो चलो एक तरफ से लगाते हैं। बस ऑयल पम्प फिट हो चुकी है ठीक है। अब डाल देंगे ऑयल पम्प का नेट, नेट भी डाल दिया। अब गाइस यहाँ हम लोगों का बैलेंसर एडजस्ट करना है। काफ़ी सारे मैकेनिक यहीं गड़बड़ कर देते हैं और इंजन का बैलेंसर सेटिंग नहीं होता है, तो इसमें भी एक माप है। तो चलो किस तरह से आप लोगों को बताएं, हम अटैच करेंगे। तो लॉक बाद में रुकाता हूँ ठीक है, चलो इसे अटैच कर देता हूँ। तो इसे इस तरह से अटैच कर दिया, और ये वाला लॉक हम इसमें अटैच करेंगे। बस ये वाला लॉक अटैच कर दिया गाइस ठीक है। अब गाइस यहाँ देखिए एक पॉइंट है हम लोगों का, तो इस पॉइंट को हम लोगों को मार्किंग करना है। जो हम लोगों का इसमें एक पॉइंट है देखिए, ये वाला पॉइंट। तो चलो इसे भी हम लोग अटैच कर देते हैं। तो बट जो हम एडजस्ट करेंगे, तो गाइस देखो दोनों पॉइंट को हम लोगों को मैचिंग करवाना है, तभी हम लोगों का पॉइंट सही होता है और ऑटोमेटिक ये लॉक लग जाएगा। देखो बस एक दूसरे के साथ आपस में संपर्क नहीं हो रहा है देखो, और ये गलत लगा देना तो एक्सीडेंट हो जाएगा इंजन जब घूमेगा। तो गाइस देखो ऑटोमेटिक एक ही जगह में, ये पॉइंट आप लोगों को मार्किंग करना है और जेबीडी पिनियम फिटिंग करना है। तो चलो अब बाकी सामान लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है गाइस, ये बैलेंसर सेटिंग करेंगे। तो चलो बैलेंसर सेटिंग करते हैं, और उसके बाद ये वॉशर और ये नॉट फिटिंग करेंगे ठीक है। बस हो चुकी है, पुली लगाने के बाद ही हम लोगों का ये शेडिंग होगा। तो पहले हम पुली नहीं लगाएंगे, पहले हम हाउसिंग फिटिंग करेंगे उसके बाद, वरना ये पहले फिटिंग कर देंगे तो हाउसिंग नहीं शेडिंग होगा। तो चलो बाकी का सामान लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे बूस, उसके बाद यहाँ डालेंगे और एक वाशर डालेंगे ठीक है। काम भी किया है, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने भूल गया था। तो गाइस एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, अगर ये पहले हो तो आप लोगों को लेद में जाके रिपेयर कराना चाहिए। इसके अंदर जितना भी किट वगैरह है मैंने चेंज किया है, देखो ये खरोच खरोच देख रहा है ना, ये लेद में जाके हमने रिपेयर किया है, उसका किट वगैरह लगाया। तो अगर आप लोगों का भी अगर ढीला हो तो आप लोग नया लगा देना, वरना बाइक का साउंड ख़राब आएगा। तो गाइस सब जेन्युइन पार्ट्स है, और क्लच सेंटर, क्लच हॉब, क्लच सेंटर, प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट। तो चलो असेंबली करते हैं एक तरफ से, किस तरह से असेंबली करें देखो। एक क्लच प्लेट लगाएंगे और एक प्रेशर प्लेट लगाएंगे। बस हो चुकी है। तो गाइस इसे लगाने के लिए जैसे कि नई सेटिंग हो रहा है देखो,
शेडिंग नहीं हो रहा है, तो इसको एक पल्टी मार दीजिए, ये शेडिंग हो जाएगा। तो गाइस चलो अब लगाते हैं, तो चलो इसे लगाते हैं। थोड़ा घुमाएंगे, मूविंग करेंगे, ऑटोमेटिक चल जाएगा। देख लीजिए, देखो चार क्लच प्लेट यहाँ लगाया और एक क्लच यहाँ लगाया। अब हम लोग क्लच इतना सा खेलना चाहिए, देखो ये खेल रहा है। चलो नॉट लगाते हैं और टाइट करते हैं, तो टाइट करेंगे अच्छी तरह से, फाइनल जोर से, बस स्प्रिंग लगाएंगे और एक क्लच फिंगर, ठीक है। इसी से हम लोग बाइक का क्लच होता है, ये जब दबाएंगे तो ऑटोमेटिक इस तरह से फाँक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लच सिस्टम हम लोगों का है बाइक में, हर कोई बाइक में क्लच का सिस्टम यही होता है। यहाँ नाट लग चुकी है, अब हम लगाएंगे इस कैप को। तो चलो इस कैप को लगा लेते हैं, बस एक कैप लग चुकी है, कैप में एक डालेंगे वाशर, ठीक है, और एक नाट लगाएंगे। तो गाइस दोनों नाट को टाइट करना है किस तरह से, वो देखिए। पिनियम लाइए, पिनियम आपको लगाना पड़ेगा और अटैच करेंगे इसके साथ, और हम लोग टाइट करेंगे गुट्टी के माध्यम से। तो गाइस इस नाट को टाइट करेंगे हम, बैलेंसर का नाट को और इस बैलेंसर का नाट को हम टाइट करेंगे, तो किस तरह से देखो, दोनों को हम लोग पकड़ के रखेंगे, इंजन पकड़ के रखो और अच्छी तरह से टाइट करेंगे, जिसमें कि हम लोगों का दोनों नाट ऑटोमेटिक अगर ढीला रहे तो टाइट हो जाएगा। बस टाइट हो चुकी है, एकदम हम लोगों का इंजन एक दूसरे का साथ संपर्क हो चुकी है और रोटेट हो रहा है। हम लोगों को नया लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ से पैकिंग अगर लीक करे तो क्रैंक के अंदर हम लोगों का लुब्रिकेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो चलो इस पैकिंग को नया डालते हैं और नाट वगैरह लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। बस हो चुकी है, बस अब हम लोगों का वाइल पम्प शेडिंग कर देंगे। तो चलो वाइल पम्प में एक कार्डिंग होता है और वो कार्डिंग हमको देखना है, तो गाइस इस साइड पर है, तो चलो इस साइड पे डालते हैं। बस अब वाइल पम्प भी घूम रहा है, देखो तो पूरा इंजन का सिस्टम हम लोगों का रेडी है गया है। अब हम चैम्बर फिट करेंगे, मेन चैम्बर, तो क्लच चैम्बर, तो चलो क्लच चैम्बर फिट करते हैं। बूस गौर कर लीजिए, बूस रहना चाहिए वरना चैम्बर हम लोगों का थोड़ा साइड हो जाएगा। इन है पैकिंग मेरा ख़राब नहीं है, तो फिलहाल कुछ हम थोड़ा इसे हल्का हल्का करके रिजिबोन आटा दे देंगे। क्लच चैम्बर लगाने से पहले ये बैरिंग चेक कर लीजिए, बैरिंग ठीक है या सही है, और ये बूस्ट क्लच का जो थस्सी बूस है इसे आप लोग देख लीजिए, और ये वाला स्प्रिंग सही है कि नहीं। तो गाइस यहाँ से हम लोगों का लुब्रिकेशन होता है, क्रैंक शाफ्ट जो होता है उसी से जाता है। तो चलो बाकी सब कुछ कंप्लीट हो गया है, चैम्बर लगाएंगे। क्लच चैम्बर का काम कंप्लीट हो चुकी है, अब हम डालेंगे जैसे कि मैग्नेट कवर और पिस्टन रिंग सेटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोगों का रोटेट सही हो रहा है, तो चलिए यहाँ का काम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे टाइमिंग चेन, तो चलो न्यू ईयर टाइमिंग चेन है, पुरानी वाली के साथ हम मैचिंग करेंगे, तो छोटा बड़ा हो रहा है या बाद में हम नहीं देखेंगे हम लोगों का टाइमिंग चेन कौन सा नया है। तो देखिए इसी से हम लोगों का पता चलता है जो हील रहा है
वो हम लोगों का पुराने वाली है। तो चलो इसे अटैच करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं टाइमिंग चेन फिटिंग करने का तरीका। तो चलो इसी तरह से लगा दिया है, ये इसे इस तरह से लगाना है। तो चलो नाट वगैरह लगा लेता हूँ, पत्ती सेटिंग कर देता हूँ। बस पत्ती सेटिंग हो चुकी है। सेकंड सेटिंग हो गया है, ठीक है। अब गाइस हम पिस्टन लगाएंगे। तो आई इन जो होता है वो हम लोगों का जैसे कि किस हिसाब से रहेगा हम बता देते हैं आपको। ये जो बड़ा वाल्व है ना, तो बड़ा वाल्व के साइड में हम इसे रखेंगे। तो आई इन ऊपर रहता है, ठीक है। तो इस तरह से लगेगा। तो चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से फिटिंग करें। ये कटिंग हम लोगों का ऊपर रहेगा, ठीक है। तो गाइस इस साइड से एम लग रहा है और इस साइड से डब्लू, ठीक है। अब ये वाला रिंग को हम दबा के देखेंगे कौन सा साइड में भाग रहा है। तो हम लगाएंगे एक साइड पर, तो गाइस पिस्टन रिंग का ग्रुप हम लोग किस तरह से रखे अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाइए, पिस्टन रिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ आप लोगों को 100% मिल जाएगा। तो चलिए हमको लगाना पड़ेगा क्योंकि जब पिस्टन भरेंगे तो वो ऊपर नीचे उठने का कोशिश करेगा। तो चलिए इसे लगाते हैं, थोड़ा लुब्रिकेट करेंगे पहले। बस चलो थोड़ा लुब्रिकेट करेंगे ब्लॉक किट पर। चलो ब्लॉक किट पर भी लुब्रिकेट कर लिया, अब हम इसे सेटिंग करेंगे, ठीक है। बार बार आवाज आ रहा है क्यों भाई। चलो बस भरते हैं, टान लो। बस बूस लगाएंगे, ये डॉल्फिन बूस है इसका नाम। टाइमिंग पैड भी दे दिया है बट हम तो गाइस यहाँ वायल आता है इस छेद से, ठीक है। बस अब हम लगाएंगे जैसे कि हेड। तो गाइस हेड में कुछ हम लोग थोड़ा हेड को पकड़ो, ऐसे ऐसे करके रखो। बस चारों तरफ यह है जा चुकी है। बस
बस पूरा नाट लगाएंगे। 5.5 mm हम लोगों का गुट्ठी होता है ये इस टाइप को टाइट करने के लिए। तो अगर ये गुट्ठी आपके पास रहे तो इंजन डाउन करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास ये गुट्ठी है, इसे मैं हेड को टाइट करूँगा इस टाइप को, सबको टाइट करूँगा, ठीक है। टाइट करते हैं, बस छोड़ दो, वॉशर डालेंगे। देने में बोल्ट है, इसे टाइट कर देता हूँ। बस मैंने फिट कर लिया, अब फाइनल टाइमिंग एडजस्ट करेंगे। तो क्रैंक का जो हम लोग का लॉक है और इस जगह जो पॉइंट है इसको एक करना है, करने से पिस्टन टॉप में आ जाता है। अब कैमशाफ्ट को हमको न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, इस तरह से घुमा के देखना है कैमशाफ्ट हम लोगों का ढीला है या टाइट है। तो इस जो पोल है इसको रखना है नाट के सीधा, ठीक है। अब टाइमिंग सेटिंग करेंगे, ये दोनों मार्किंग को हम लोगों को लेफ्ट राइट देखना है। ये पॉइंट ऊपर रहने से कोई दिक्कत नहीं है और नीचे रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं इस तरह से लगाऊंगा, कंपनी का इस तरह से आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इस तरह से हम लोग अटैच करेंगे और इसका टाइमिंग अच्छी तरह से सेटिंग करेंगे। जो टाइमिंग 100% अगर बाइक का ना हो तो बाइक चलाने में मज़ा नहीं आएगा और ट्यूनिंग भी सही नहीं आएगा, बाइक का ताकत भी ठीक से नहीं मिलेगा। तो चलो मैंने टाइमिंग सेटिंग कर लिया है, अब एक बार फाइनल चेकअप कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ हम प्लाक में एक स्क्रू ड्राइवर भरेंगे और उसके बाद हम ये मैग्नेट घुमाएंगे और पिस्टन मेरा टॉप में नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है मुझे इससे डाउट हो रहा है। तो मेरा टाइमिंग परफेक्ट सही है, यहाँ देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए टाइमिंग परफेक्ट है। ये जो लॉक है इसका साथ संपर्क है और दोनों टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। तो नाट वगैरह लगा के आप लोगों को रॉकर एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये नाट टाइट करने से पहले आपको ये टेंशनर लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आप कर पाएंगे। हम लोग टाइमिंग स्पॉकेट का नाट अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, ठीक है। अब गाइस हम लोग बाइक का रॉकर एडजस्ट करेंगे, तो रॉकर एडजस्ट किस तरह से करें, तो गाइस मेरे पास फिलर गेज है। तो इस बाइक का हम लोग रॉकर एडजस्ट करेंगे 0.8 mm, ठीक है। तो 0.8 mm में हम लोग रॉकर एडजस्ट करेंगे। तो चलो रॉकर एडजस्ट करने के रेंज कहाँ है बाइक का,
0.8। अब ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, अब इसको भी हम लोग 0.8 ही रखेंगे। जीरो पॉइंट एट रखने से क्या होता है, बाइक का साउंड क्वालिटी परफेक्ट आता है। और जैसे कि भाल्व अगर 10 घंटा या 5 घंटा इंजन चले तो भाल्व अगर कटेगा तो पहले हम लोगों का कम हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों का टेंशन का कोई बात नहीं है, थोड़ा ढीला रखने से और टाइट रखने से हम लोगों का दिक्कत होता है। भाल्व अगर कट जाए तो ऑटोमेटिक क्या होगा, रॉकर टाइट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ का काम कंप्लीट है, अब हम चैम्बर वगैरह लगाएंगे, ठीक है। यहाँ ओरिंग आप लोग देख लीजिए जो कैप लगाने का टाइम थे, ठीक है। तो चलो ओरिंग मेरा लगा हुआ है और हम चैम्बर फिट करेंगे, ठीक है। बस चैम्बर फिट हो गया, लगाएंगे। तो ऑन बे बैरिंग मेरा सही है और इसमें एक रोलर रहता है, तो रोलर आप दे दीजिए। तो चलिए हम लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। बस मैग्नेट के नाट को फाइनल टाइट कर देते हैं। छोड़ दे, हम लगाते हैं, ये बूस्ट लगेगा। बस हमारा काम यहाँ कंप्लीट है, ठीक है। तो चलो चैम्बर वगैरह लगाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस इसमें पैकिंग लगेगा। तो गाइस मेरा पूरा इंजन फिटिंग हो चुकी है, अब मैं आपको बाइक में लगा के स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा जो बाइक का साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है, बाइक में पोल्यूशन आ रही है कि नहीं। तो हमारा इंजन कंप्लीट हो चुकी है, चारों तरफ से इंजन हमने पूरा बांध लिया है। तो चलिए अब आपको बाइक में फिटिंग करके दिखाता हूँ। यह है बाइक, इस बाइक पे फिटिंग करूँगा, पूरा सफाई चल रहा है, ठीक है। तो चलो इंजन ऑयल डालते हैं। तो गाइस मेरा इंजन फिटिंग हो चुकी है, सब कुछ फिटिंग हो गया, साइलेंसर भी लगाई है, इंजन में ऑयल, इंजन ऑयल भी डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया है। अब बाइक को स्टार्ट करूँगा। तो चलो इग्निशन ऑन किया, एक पर हम लोगों का ट्यूनिंग आरपीएम परफेक्ट आ रही है। चलो एक बार पैर से मार लेता हूँ। तो गाइस आप लोगों ने देखा पूरा इंजन को खोल के पीस पीस कर दिया था और वही इंजन को फिटिंग किया और एक ही चांस में बाइक स्टार्ट हो गया। तो बाइक का माइलेज भी 100% सही आएगा और सब कुछ सही आएगा। तो गाइस इसी तरह से बाइक का काम करते हैं और कराते हैं। तो अगर आप लोगों का मन में भी है सवाल तो इसी तरह से आप लोग काम करिए, कराइए कस्टमर का। जो कस्टमर को पहले बोल दीजिए, देखो बजट अगर आप लोग पूछना है तो काम नहीं कराना है। हाँ बजट के बारे में अगर हमको नहीं बताना है तो काम कराइए, हमको अच्छी तरह से पार्ट्स लगाना है। तो गाइस यही था वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।